पिछले कुछ दिनों पूर्व ही मथुरा के प्रेम मंदिर में बॉम्ब रहने की सूचना मिलने पर प्रशासन और इलाके में हड़कंप मच गया था। बता दें कि पुलिस ने बाद में पूरी छानबीन की, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का कोई बॉम्ब नहीं मिला और प्रशासन ने उसके बाद राहत की सांस ली। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सर्विलांस टीम की मदद और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से फोन कर धमकी देने वाले व्यक्ति को धर दबोचा है। देखिए एक रिपोर्ट। दिनांक 2 जुलाई 2023 को एक बॉम्ब कॉल आई कंट्रोल रूम पे और उसमें ये सूचना दी गई कि थाना वृंदावन स्थित प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में जगह जगह बम रखे हुए हैं। ये एक अत्यंत ही सनसनीखेज सूचना थी। उस दिन संडे था, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में और प्रेम मंदिर में थे। साथ ही साथ राजकीय मुड़िया मेला उस समय चल रहा था और वहाँ भी भीड़ काफ़ी संख्या में थी और वहाँ से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन भी आ रहे थे। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हुई और ASCHK और BDDS की टीम ने पूरे परिसर को खाली कराया और वहाँ पे अपना सर्च ऑपरेशन चालू कराया। वहाँ पे कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली। जब कॉलर से संपर्क किया गया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इसमें छानबीन की गई और अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके उपरांत इसमें वृंदावन पुलिस को सफलता मिली है और जो इसमें अभियुक्त है अनिल कुमार पटेल, जो कि मूलतः वाराणसी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से सिम कार्ड और मोबाइल फ़ोन, जिससे ये झूठी भ्रामक और सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से दी गई, जिससे वहाँ पे भय का वातावरण क्रिएट हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है, उसको जेल भेजा जा रहा है।